नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रजापति स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाली है। जो स्टूडेंट्स कोस्ट गार्ड नाविक डीबी डोमेस्टिक ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस इसके अंदर रहने वाला है, किस तरह से आपको इसकी कौन कौन सी स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और यदि आप कोस्ट गार्ड नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कौन कौन लोग इसके लिए तैयार हैं, ताकि आपकी क्लासेस जो स्टार्ट की जाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को, और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कोस्ट गार्ड नाविक डोमेस्टिक ब्रांच से रिलेटेड आपके सभी जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो कोस्ट गार्ड नाविक डोमेस्टिक ब्रांच, यदि आपने फॉर्म नहीं डाला है तो 5 जून से लेकर आपके 10 जून के बीच में आपके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो डोमेस्टिक ब्रांच के लिए अप्लाई हो रहे हैं। इसके लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ओनली 10th पास आपसे मांगा गया है, और इसमें आपका 50% मार्क्स होना चाहिए एग्रीगेट। ठीक है, कोई भी आपका ये मैटर नहीं करता कि कौन से सब्जेक्ट में कितने होने चाहिए, बाकी आपके सभी सब्जेक्ट में मिलाकर 50% आपके जो मार्क्स हैं वो आपके होने चाहिए। अब इसके लिए आपको कौन कौन सी स्टेज से गुजरना होगा वो हम एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहला आता है इसके अंदर एडमिट कार्ड। देखिए, बहुत सारे लोग सिलेक्शन प्रोसेस आपको बताते हैं, लेकिन उस सिलेक्शन प्रोसेस में आपको एडमिट कार्ड के बारे में कोई भी मेंशन नहीं करता। तो सबसे पहले तो आप यदि नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, तो उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ होता है कि यदि आपने फॉर्म फिल किया है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका एडमिट कार्ड आएगा। इसके लिए आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, और वो शॉर्ट लिस्टेड आपके अलग अलग सेंटर, जैसा कि 6 सेंटर हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे कि कहाँ कहाँ आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होने वाला है। उन सभी सेंटर्स के अकॉर्डिंग सभी की जो कट ऑफ है वो अलग अलग बनेगी, वो आपके 10th के परसेंटेज के हिसाब से बनेंगे। तो चलिए एक बार हम वो सेंटर देख लेते हैं, वो जोन देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ आपका एग्जाम होगा और किस तरह से आपके जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये यहाँ पर आपके जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो पहला है नॉर्थ जोन, यानी कि जो भी नॉर्थन जोन से हैं उनका जो एग्ज़ाम सेंटर होगा नोएडा। उसके अंदर कौन कौन आते, बार बार मेरे से क्वेश्चन पूछते कि मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, मेरा कहाँ होगा। तो देखिए कौन कौन से स्टेट शामिल किए गए हैं, पूरा ज़रूर देखना। जम्मू एंड कश्मीर के जो भी लोग हैं उनका भी एग्ज़ाम नोएडा होगा, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली एंड यूनियन टेरेटरी ऑफ चंडीगढ़। जो चंडीगढ़ है उसका भी एग्ज़ाम यहाँ पर नोएडा के अंदर होने वाला है। जिन स्टेट्स का मैंने यहाँ पर नाम लिया है उन स्टेट्स के सभी कैंडिडेट का जो एग्ज़ाम है वो नोएडा सेंटर के अंदर होगा। ठीक है, और नोएडा की कट ऑफ के अकॉर्डिंग ही आपके जो 10th के मार्क्स हैं उनके अकॉर्डिंग, और जो नोएडा सेंटर रिक्वायर करता है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो कट ऑफ है वो यहाँ पर बनने वाली है। ठीक है, दूसरा यदि हम बात करें, दूसरा है आपका नॉर्थ ईस्टर्न जोन। नॉर्थ ईस्टर्न जोन यानी कि बिहार, झारखंड, मिजोरम, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ये आप देख सकते हैं, ये इनका जो एग्ज़ाम है वो होगा कोलकाता के अंदर। तीसरा आता है आपका चेन्नई। चेन्नई के अंदर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूनियन टेरेटरी ऑफ पांडिचेरी एंड अंडमान निकोबार्स आइसलैंड। ठीक है, उसके बाद चौथे नंबर पर आता है आपका मुंबई। मुंबई के अंदर ये सभी स्टेट, बाकी के बच जाते हैं महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरला, गोवा, यूनियन टेरेटरी ऑफ दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली एंड लक्षद्वीप। उसके बाद ओनली नॉर्थ ईस्ट जो नॉर्थ वेस्ट जोन वाले हैं उनके लिए गांधीनगर, यानी कि इसके अंदर ओनली गुजरात सेंटर आपका दिया जाएगा। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर ये सभी हैं, इनके बारे में, इनके सभी की कट ऑफ अलग अलग जाती है। गांधीनगर वाले सेंटर अपनी कट ऑफ अलग से जारी करता है, मुंबई वाला अपनी कट ऑफ अलग से जारी करता है। यदि आपका एडमिट कार्ड यहाँ पर आ जाता है तो दूसरी जो आपकी स्टेज होती है वो होता है आपका रिटर्न एग्जामिनेशन। क्या होता है फ्रेंड्स? रिटर्न एग्जामिनेशन। ठीक है, रिटर्न एग्जामिनेशन आपको देना होता है, और ये रिटर्न एग्जामिनेशन जो भी मैंने आपके सेंटर बताए हैं वहाँ पर होगा, और जो एग्ज़ाम का लेवल होगा वो होगा 10th स्टैंडर्ड का। कौन सा होगा एग्ज़ाम का जो लेवल है वो 10th स्टैंडर्ड का होगा, और उसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, उसके अंदर मिलेगा आपको GK, मैथमेटिक्स, रीजनिंग,
इंग्लिश और आपकी जनरल साइंस, ये 4 से 5 सब्जेक्ट है जो देखने को मिलेंगे। और मैंने आपको जैसा कि पहले बोला है कि यदि आपको मैथ्स और रीजनिंग नहीं आती तो आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसके अंदर जो भी आपका एग्ज़ाम होता है 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, उसके लिए आपको 1 घंटा पर्याप्त मिलता है, ठीक है। उस 1 घंटे के अंदर आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करने होते हैं। आपका जो एग्ज़ाम है वो हमेशा ऑफलाइन होता है। कैसा होता है एग्ज़ाम, हमेशा कैसा होता है, ऑफलाइन होता है, और आपको वहाँ पर OMR सीट दी जाती है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। क्या नहीं होती इसके अंदर? कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं होती। पूरे 80 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट इसके अंदर कर सकते हैं, और उस 80 के अकॉर्डिंग आपकी जो कट ऑफ है फिजिकल के लिए, मेडिकल के लिए और फाइनल मेरिट लिस्ट, ये सभी कट ऑफ है जो 80 मार्क्स के अंदर से ही बनने वाली है। यदि मैं बात करूँ मैथ्स और रीजनिंग का, तो 50 to 60 जो पार्ट्स है वो मैथ और रीजनिंग, 60 to 70% भी पार्ट्स मैथ्स और रीजनिंग से आता है। तो इसके लिए कोस्ट गार्ड नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए आपको सबसे मेन सब्जेक्ट हैं वो रहेंगे आपके मैथ्स और रीजनिंग। यदि आपको मैथ्स और रीजनिंग अच्छे से आती है तो आप इस एग्ज़ाम के में अच्छा अपना स्कोर है वो गेन कर सकते हैं। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। जो आपका जैसे ही एग्ज़ाम होगा उसके तुरंत 1 घंटे बाद आपका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा, ठीक है। आपका जो सिलेबस के बारे में मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, उसमें बता दूंगा कि क्या क्या सिलेबस आपका आता है। उसके बाद आपका 1 से 2 घंटे बाद आपका यहाँ पर रिजल्ट आ जाता है, और रिजल्ट के अंदर जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई हो जाते हैं रिटन एग्जामिनेशन के अंदर, उनका होता है PST यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। उसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले उसके अंदर आपको 1600 मीटर की रनिंग करनी होती है। 1600 मीटर की रनिंग है वो आपको 7 मिनट के अंदर करनी होती है। कितने मिनट के अंदर? 7 मिनट, कोई भी ज़्यादा नहीं है, सभी लोग इजीली कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसके अंदर 20 स्क्वेट्स लगानी होती है, और सॉरी हाँ 20 स्केट्स लगानी होती है, और 10 इसके अंदर आपको पुशअप लगानी होती है। यदि आप फिजिकल स्टैंडर्ड ये आपका होता है, ये भी आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। यदि आप इसमें डिसक्वालीफाई हो जाते हैं, चाहे आपके एग्ज़ाम में पूरे 80 नंबर सही हों, डजेंट मैटर, आप वहीं पर फेल कर दिए जाएंगे। इसके कोई मार्क्स नहीं होते, ये ओनली क्वालिफाइंग सेक्शन होता है। उसके बाद कई सेंटर पर क्या होता है, देखिए उनके उसी दिन आपका मेडिकल हो जाता है। अपडेट मैं आपको देता रहूँगा, जब भी एग्ज़ाम होगा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही कई एग्ज़ाम सेंटर पर क्या होता है कि उसी दिन आपका मेडिकल चेकअप कर लिया जाता है, ठीक है। लेकिन कई एग्ज़ाम सेंटर पर मेडिकल चेकअप है उसी दिन ना होकर आपसे बोला जाता है कि आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट, सॉरी मेडिकल के लिए आपकी एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, और उस मेरिट लिस्ट में उन कैंडिडेट का नाम होगा जिनके अच्छे मार्क्स होंगे। वो अच्छे मार्क्स होंगे उनको कैसे सूचित किया जाएगा? इंडियन कोस्ट गार्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, PDF जारी की जाएगी। उस PDF में यदि आपका नाम है तो आप मेडिकल के लिए शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे। उसके बाद आपके जो मोबाइल नंबर है और आपकी जो ईमेल आईडी है वहाँ पर भी आपको मैसेज सेंड किया जा सकता है इंडियन कोस्ट गार्ड के थ्रू। तो इस तरह से आपका, उसके बाद आपका होता है मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट। मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट उन्हीं का होता है जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाते हैं। उसके बाद देखिए मेडिकल एग्ज़ाम में ज़्यादा कुछ खास नहीं होता। सबसे पहले आपका आई चेक होता है, आई के अंदर कलर विजन पॉइंट चेक होता है, और आपके 6x6 का होता है। उसके बाद आपकी इसके अंदर नॉकनी भी चेक होती है, और आपके जो हैंडबैंड है सभी देखिए ऑलमोस्ट जो भी आपका, कई लोग बोलते हैं कि इसमें आँखों के अलावा कुछ चेक नहीं होता, तो पूरा जो मेडिकल होता है वो होता है। बट आप कह सकते हैं कि इसके अंदर जो मेडिकल है वो थोड़ा सा नॉर्मल होता है, क्योंकि जो फाइनल मेडिकल होता है वो होता है आपका चिल्का के अंदर, और वहाँ पर चिल्का के अंदर जो फाइनल मेडिकल होता है वही आपके सिलेक्शन की अंतिम कड़ी यहां पर होती है। उसके बाद यदि आप मेडिकल क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद आती है आपकी मेरिट लिस्ट। फाइनल मेरिट लिस्ट में जिन लोगों का नाम है उनका सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन ध्यान रहे कि यदि आपका सिलेक्शन यहां पर हो जाता है किसी भी पोस्ट के लिए, उसके बाद आपको फाइनल ज्वाइनिंग टाइम चिल्का के अंदर भी मेडिकल देना होगा। बिकॉज आप सभी जानते हैं कि नेवी का जो मेडिकल है वो थोड़ा सा टफ होता है ज्वाइनिंग टाइम। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं वो सभी चीज़ें मैं आपको अलग से बता दूंगा। बाकी थोड़ा सा इस चीज़ को भी अपने माइंड में रखें कि फाइनल भी इसके अंदर मेडिकल होता है। तो इस तरह से कंप्लीट जो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस है वो इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डोमेस्टिक ब्रांच को लेकर है। ये सभी
सिलेक्शन प्रोसेस इस तरह से रखी गई है। तो आई होप आपके सभी के डाउट हैं जो क्लियर हो गए होंगे सिलेक्शन प्रोसेस से लेकर। तो इसके एडमिट कार्ड है वो आप देख सकते हैं कि 24 से लेकर 26 के बीच में आपके जो एडमिट कार्ड है वो यहाँ पर रिलीज़ कर दिए जाएंगे, और आपका जो एग्ज़ाम है आई थिंक जुलाई के फर्स्ट वीक से स्टार्ट आपका हो जाएगा। इसका मतलब देखिए, जिन लोगों ने भी फॉर्म फिल किया है उन थोड़ा सा अपनी तैयारी रखें। इसके अंदर जो मेरिट लिस्ट है वो माना कि थोड़ी सी हाई जाती है, बिकॉज इसके अंदर जो पोस्ट हैं वो काफ़ी कम होती है, फॉर्म बहुत ज़्यादा अप्लाई होते हैं, टेंथ पास से होते हैं तो सभी लोग अप्लाई कर देते हैं, तो इसीलिए वैकेंसीज कम होने की वजह से जो आपकी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है उसकी कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाती है। मैं आपको स्पष्ट नहीं बता सकता, लेकिन इसके लिए मैं स्पेशल आपको वीडियो बना दूंगा, और चाहे तो आप वेट कर लीजिएगा। मुश्किल से आपके पास 20 दिन है, 20 दिन बाद आपको कन्फर्म पता ही चल जाएगा कि किस तरह से आपके एडमिट कार्ड है, कितने परसेंटेज को लेकर आते हैं, कितने परसेंटेज पर नहीं आते। जिन लोगों का लास्ट टाइम आया है या नहीं आया उनको थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में मालूम होगा, ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा बताना कि लास्ट टाइम किसी स्टूडेंट्स का यदि एडमिट कार्ड आया हो तो वो कितने परसेंट पर आया था। तो ये कोस्ट गार्ड नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके पास हमने पहुंचाई। कोई भी यदि आपको अभी प्रॉब्लम डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आप हमारा फेसबुक का पेज है जो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।